everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well. Today I'm gonna share my experience on this new launch from Be Minimalist. It's their multivitamin SPF 50 wala sunscreen. Now iske maine dono sunscreen pick kiye the. If you have seen my monthly haul October wala, you guys know. So ye maine usi din order kar diye the jis din you know ye dono sunscreen launch hue the. But this took around 15 days to reach me and I was like getting frustrated कि सबको मिल गया है, everyone is giving their first impressions और मेरा अभी तक receive ही नहीं हुआ है. So I was like you know very very upset, but anyways then finally मुझे ये मिल गया and now it's been 10 to 15 days since I'm trying this one out. So yeah, I'm ready with my experience. So yeah, if you're interested to know about this one then please keep on watching. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ अ पैकेजिंग. इट्स अ वेरी स्लीक ट्यूब पैकेजिंग. यहाँ पे छोटा सा इसका पंप भी दे रखा है. आई होप दिस वर्क वेल. जब हाफ फिनिश हो जाएगा उसके बाद भी अच्छे से काम करेगा. एंड दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल सनस्क्रीन. इट्स फॉर 399 रुपीज़ फॉर 50 ml. लाइक 400 ml में आपको 50 ml प्रोडक्ट मिल रहा है विद SPF 50. एंड दे डू हैव देयर टेस्ट रिजल्ट एज वेल. इनका आई थिंक 68 के आसपास या 58 के आसपास SPF आया है जो उन्होंने टेस्ट रिजल्ट अपनी साइट पर डाले हैं. सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. एंड दिस इज़ अ मल्टी वाइटामिन सनस्क्रीन. इसके अंदर इन्होंने वाइटामिन्स भी ऐड किए हैं लाइक वाइटामिन ए बी एंड आई थिंक ई. सो लेट्स डिस्कस द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस वन. सो दिस गॉट अ लॉट ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स इंक्लूडिंग सम ग्लाइकॉल्स एंड सम गुड अल्कोहल्स एंड सोडियम हाइलुरोनेट. एंड दिस डू हैव सम सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक पैंथेनॉल एंड एलेंटॉइन. देन इट हैज़ सम केमिकल एंड फिजिकल सन ब्लॉक लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज देयर. देन वी गॉट थ्री ऑफ द वाइटामिन्स लाइक नायासिनामाइड विच इज़ वाइटामिन B3. देन वी हैव रेटिनॉल विच इज़ वाइटामिन ए एंड वी हैव टोकोफ्यूरोल एसिटेट विच इज़ वाइटामिन ई. दैट्स वाई दे से दैट इट्स अ मल्टी वाइटामिन सनस्क्रीन. नाउ आई डिडंट गेट दिस थिंग कि वाई दे हैव एडेड रेटिनॉल इन दिस वन एंड कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा. आई कॉन्ट रियली टेल यू बिकॉज फिनॉक्सीथिनोल से पहले है. सो आई रियली डोंट नो. बट येस, फॉर्मुलेशन डज मैटर. दिस हैज़ नॉट कॉज एनी इरिटेशन ऑन माई फेस. दिस हैज़ वर्कड रियली रियली वेल. एंड इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही क्रीमी सा है. लाइक बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है. इट्स अ लाइट मीडियम वेट कंसिस्टेंसी है जो बहुत ही ईजिली स्प्रेड होती है. बहुत अच्छे से स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाती है विदाउट लिविंग एनी वाइट कास्ट. एंड ये आइज़ में भी स्टिंग नहीं करती है. बट हाँ, अगर आपकी फिंगर अगर आपकी आइज़ में चली जाए तो ज़रूर ये स्टिंग करेगी. बट अदरवाइज ऐसे यू नो ये नहीं आपकी आइज़ को हर्ट करती है. बट वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि जैसे शाम होने लगती है ना तो आई सी कि ये ना पील ऑफ होने लग जाती है. सो आई डोंट नो इट्स विद मी और विद एनी वन एल्स एज वेल. So if you guys have used it, किसी ने भी अगर ये यूज़ करी है एंड इफ़ यू ऑल्सो फीलिंग द सेम पीलिंग वाला इशू देन डू लेट मी नो. और मे बी हो सकता है कि यू नो जब आपने नीचे काफ़ी एक मॉइस्चराइजिंग लेयर लगाई होती है और ऊपर से जब आप ये लगा लेते हो तो वो थोड़ा सा पील ऑफ होता है. ये सेम चीज़ यू नो जो लोटस वाली जो सनस्क्रीन है, मैंने इसका रिव्यू किया था, उसका भी ऐसे ही पील ऑफ होता था. लाइक आई डोंट नो वाई, बट हाँ जब अगर आप ऐसे इसको करो ना तो वो पील ऑफ होना शुरू हो जाता है. सो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम आई फील दिस हैज़. बट आई डोंट नो ये मेरे साथ ही है या औरों के साथ भी है. सो अगर किसी ने भी ये चीज़ फेस करी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बट ओवरऑल आई हैव लाइक्ड इट. लाइक ये अच्छी है, लाइक अफोर्डेबल है एंड अच्छी प्रोटेक्शन आपको दे रही है. सूटेड वेल ऑन माई ऑयली एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन. सो यू कैन सी कि आप हर स्किन टाइप वाले इसकी तरफ जा सकते हो. ड्राई स्किन वाले भी इसकी तरफ जा. लाइक इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स बेसिकली. बट आई एम टेलिंग यू लाइक इफ यू आर a person who is a very sensitive skin type or oily acne prone hai, this gonna suit you perfectly. Okay, so yeah, that's all about my experience on this one. So I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.